हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है अंत्योदय एक्सप्रेस के बारे में, जो कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश के बीच में चलती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से गोरखपुर तक चलने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है हफ्ते में एक दिन चलती है, हर बुधवार को ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलती है। और ये जो ट्रेन है मुंबई से भोपाल, कानपुर, लखनऊ होते हुए ये गोरखपुर जंक्शन में अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर हम बात करें इस ट्रेन के नंबर के बारे में तो इसका ट्रेन नंबर है 125/98। ये अंत्योदय एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, यानी कि इसमें जो सारे कोचेज जो हैं वो अनरिजर्व कोचेज होते हैं, आप सिर्फ अनरिजर्व टिकट लेके उसमें चढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें इसके ट्रैवल टाइम के बारे में तो ये 29 घंटे 5 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 14 स्टेशन हैं। ये जो ट्रेन है मुंबई से गोरखपुर की जो दूरी है 1693 किलोमीटर की कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ये अंत्योदय एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। अगर हम बात करें इसके कोचेस के बारे में तो इसमें LHB कोचेस जो है दिए गए हैं, जिसे दीनदयाल उपाध्याय कोचेस भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो मुंबई से गोरखपुर तक का जो किराया है वो है लगभग 370 रुपये। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट जरूर रेफर करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से गोरखपुर जंक्शन तक चलने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रेन है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हर बुधवार को दोपहर को 1:30 पर रवाना होती है और इसके तकरीबन 14 स्टेशन हैं। दूसरा जो स्टेशन आता है इस अंत्योदय एक्सप्रेस का वो है कल्याण जंक्शन। यहाँ पर ये ट्रेन जो है दोपहर के 2:22 पर पहुँचती है और 2:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है इगतपुरी में पहुँचती है, यहाँ पर इसका टेक्निकल हॉल्ट है और शाम के 4:15 पर पहुँचती है और 4:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भूसावल जंक्शन में पहुंचती है, जो कि इस ट्रेन का महाराष्ट्र का आखिरी स्टेशन है। यहाँ भूसावल जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 8:05 पर पहुंचती है और 8:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन में पहुंचती है रात के 1:25 पर और 1:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जंक्शन में पहुंचती है रात के 3:25 पर और 3:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है झांसी जंक्शन में पहुंचती है 7:25 पर और 7:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये अंत्योदय एक्सप्रेस जो है ओराई स्टेशन में पहुंचती है 8:53 पर और 8:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस जो है वो कानपुर सेंट्रल में पहुंचती है 11:30 पर सुबह और 11:40 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है लखनऊ चारबाग स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 1:10 पर और 1:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये ट्रेन जो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गोंडा जंक्शन में पहुंचती है 3:50 पर दोपहर को और 4 वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये अंत्योदय एक्सप्रेस जो है वो बस्ती स्टेशन में पहुंचती है। यहां पर ये ट्रेन जो है शाम के 5:10 पर पहुंचती है और 5:15 पर वहां से 13 मिनट पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस जो है वो अपने सेकंड लास्ट स्टेशन खलीलाबाद स्टेशन में पहुंचती है शाम के 5:35 पर और 5:37 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद मुंबई गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन गोरखपुर जंक्शन में पहुंचती है शाम के 6:35 पर और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। मुंबई से गोरखपुर की जो दूरी है वो 1692 किलोमीटर के करीब जो है वो कवर कर चुकी होती है। दोस्तों, इसी के साथ ये अंत्योदय एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोज़ को भी देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पसंदीदा ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से इस चैनल को